The topic is the reaction of second group elements, reactions of second group elements, any second A. अच्छा, as a whole reactivity increases down the group. ये as a whole आपने याद रखना है कि reactivity increases down the group. क्यों? Because ionization energy. Energy decreases. तो means कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेंगे और इस वजह से रिएक्शन भी तेज होना शुरू होगा. अब इनमें जो हमें रिएक्शन हमारे कोर्स में दिए हैं तो वो हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन. तो ये कुछ रिएक्शन उन्होंने इसके दिए हैं. तो रिएक्शन विद वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं रिएक्शन विद वाटर. अच्छा, इसमें फर्स्ट मेंबर इज बेरिलियम. व्हेन यू वांट टू रिएक्ट इट विद वाटर यू विल गेट नो रिएक्शन. बेरिलियम वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता. वजह यह है कि बेरिलियम, सपोज करें ये बेरिलियम का पीस है, दिस इज बेरिलियम. बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड का एक थिन लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोट होता है, दिस इज बेरिलियम ऑक्साइड. और ये कोट नीचे वाले बेरिलियम को रिएक्शन करने नहीं देता. ठीक, तो इस वजह से बेरिलियम विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. इसके बाद है मैग्नीशियम. थर्ड पीरियड भी जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैग्नीशियम को हमने देखा कि मैग्नीशियम वाटर के साथ दो कंडीशन में दो तरह के रिएक्शन करता है. एक, अगर हम रूम टेम्परेचर यानी लिक्विड वाटर ले लें तो इसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा और इसमें प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इस हाइड्रोजन गैस के बबल बहुत ही स्लोली स्लोली आपको दिखाई देंगे कि बन रहे हैं. लेकिन अगर हम पानी को गैशियस फॉर्म यानी स्टीम में कन्वर्ट करें फिर इसका रिएक्शन जो मैग्नीशियम के साथ है वो फास्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए आपके जहन में होना चाहिए कि मैग्नीशियम वाटर के साथ दो कंडीशन में रिएक्शन करता है और दोनों कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग है, एक स्लो है दूसरा फास्ट है, और दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट भी अलग अलग हैं. कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है और जबकि स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इस रिएक्शन विद वाटर में आप ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स. नेक्स्ट जो इनका रिएक्शन हमें दिया गया है दैट इज वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. बाकी जो एलिमेंट हैं इसमें रिएक्शन विद वाटर, तो उसके लिए आप ये जनरल रूल सा याद रखें कि सेकंड ए का कोई मेंबर है सपोज़ और इसको वाटर में डाला गया
तो यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप सेकंड ए, यानी इधर लग जाएगा ओ एच होल टू और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अब आप जस्ट सेकंड ए ग्रुप का जो सिंबल है उसको एलिमेंट के सिंबल से चेंज करते जाएं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम लगा दें इधर और वाटर हुआ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्टियम आप लोगे तो यू विल गेट H2O, विल रिएक्ट विद H2O तो यू विल गेट स्ट्रॉन्टियम हाइड्रो ऑक्साइड OH होल टू एंड हाइड्रोजन गैस। बस ये होगा कि डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, तो रिएक्शन मोर विगोरस होता जाएगा। ठीक, यानी अगर स्ट्रॉन्टियम बैरियम तक आप पहुँचोगे तो इसका रिएक्शन अब बहुत ही फास्ट होगा और ये बन जाएगा बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अच्छा, फिर याद रखें कि जो हर ग्रुप का आखिरी मेंबर है ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में वो रेडियो एक्टिव होता है, जिस तरह ये रेडियम है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिस्ट्री बहुत कम स्टडी की जाती है क्योंकि उनका तो हाफ लाइफ बहुत कम होता है। कुछ ऐसे भी हैं कि 7 सेकंड उनका हाफ लाइफ होता है, तो 7 सेकंड में उसकी केमिस्ट्री हम इतनी डिटेल से स्टडी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर आपको आखिरी मेंबर का कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दिया गया होगा, ऊपर वाले मेंबर के रिएक्शन वगैरह वो इस पर एक्सप्लेन करके दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन, तो दैट इज़ द सेकंड वन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर की बात भी करते हैं कि एयर क्यों कहते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होते हैं, तो वो दोनों के साथ रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगेन जब आप इसमें देखोगे तो जो मेटल है बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए सिंपल मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन में जलते हैं और एक सिंपल मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो बेरिलियम है इज़ रेजिस्टेंस टू बर्न अनलेस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डस्ट और पाउडर। यानी बेरिलियम जो है वो अगेन रेजिस्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप इसको पाउडर करेंगे तो पाउडर करने के बाद ये आपको बेरिलियम ऑक्साइड बना के देता जाएगा। तो ये बेरिलियम के लिए एक है। और अगेन जो हर ग्रुप का पहला मेंबर होता है, जिस तरह पहले ग्रुप में लिथियम था, इसमें बेरिलियम है, आगे में फिर बोरॉन है, कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन वगैरह, तो ये फर्स्ट मेंबर अपनी बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ डिफरेंसेस रखते हैं। उन डिफरेंसेस को कहा जाता है पिकुलियर बिहेवियर, पिकुलियर बिहेवियर। तो ये बेरिलियम एक पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। इसी तरह आगे डिफरेंस पर देखेंगे, बेरिलियम के कंपाउंड ज़्यादातर कोवेलेंट हैं, बाकी के आयोनिक हैं। इसी तरह आगे बोरॉन जो है अपना एक पिक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा थर्ड ग्रुप के साथ। नेक्स्ट जो है कार्बन है, वो पिक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा। तो ये डिफरेंसेस कहलाती हैं पिक्यूलियर बिहेवियर। नेक्स्ट जो है इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम रेडियो एक्टिव है। इनमें अब आप याद रखोगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो, -2। जबकि स्ट्रॉन्टियम और बेरियम वो परऑक्साइड बनाते हैं, परऑक्साइड बना सकते हैं। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1। सुपरऑक्साइड इस ग्रुप में कोई नहीं बनाता, जस्ट परऑक्साइड बना सकते हैं।
तो इसमें अब मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम करेंगे तो दिस इज़ मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और थोड़ा सा हीट इसको देना होगा, तो बिल्कुल एक चमकीली फ्लेम के साथ ये जलता है, गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए सॉलिड। बैलेंस करोगे तो इस तरह से, मैं ज़्यादातर रिएक्शन अनबैलेंस लिखता हूँ, आपने कोशिश करनी होगी कि पेपर में बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे तो वो आपको, मैं तो अपनी टाइम कम करने के लिए था आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक लेक्चर में पढ़ा सकूँ। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसी तरह अब कैल्शियम जो है वो भी रिएक्शन करेगा, उसको अब ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो कैल्शियम भी प्रोड्यूस कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम कभी कभी पूछा जाता है, दिस इज मैग्नीशिया, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम जो है दिस इज लाइम, क्विक लाइम उसको कहते हैं, क्विक लाइम पश्तो में हम इसको कहते हैं जुवंदे चूना, ठीक। और फिर जब ये पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर जो हम दीवार पे लगाते हैं वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन ए स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी मृदचूना। और एक होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसको हीट करके इससे हम क्विक लाइम हासिल करते हैं, ये हीट हो के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे जाता है जबकि ये सॉलिड है, सो वी गॉट क्विक लाइम फ्रॉम, तो इस वजह से इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं या स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। अच्छा, फिर जब स्ट्रॉन्टियम की बारी आएगी, बेरियम की बारी आएगी, तो वो दोनों परोक्साइड बनाएंगे, सो ओवर हियर इट इज़ स्ट्रॉन्टियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग यू स्ट्रॉन्टियम परोक्साइड SRO2। गॉट इट? ऊपर जो थे MgOCaO, ये था SRO2, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे रहेगा। फिर बेरियम जो है तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना जाता है बेरियम परऑक्साइड, ठीक। देखते हैं कि ये कैसा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये ले लें बेरियम ऑक्साइड, O2 है, कोई चार्ज नहीं है तो =0। अब बेरियम जो है वो ग्रुप सेकंड का मेंबर है तो इसके होता है +2 चार्ज। ऑक्सीजन दो हैं और हम उसका चार्ज मालूम करना चाहते हैं =0। ये +2 राइट पे ले चलें तो रह जाएगा कि 2 ऑक्सीजन −2। अब यहाँ पे डिवाइड कर दें 2 पे, यहाँ पर भी डिवाइड कर दें 2 पे, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल गेट के ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा, 2 ones are 2, तो यू विल गेट -1। सो दिस -1 इज चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन परऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड में फिर -1/2 है और सुपर ऑक्साइड सिर्फ ग्रुप फर्स्ट ए के मेंबर जिसमें पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वो बना सकते हैं सुपर ऑक्साइड। तो इस ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ठीक। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ मिलें तो डाउन द ग्रुप मेंबर जो हैं ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ मिल जाएं। नेक्स्ट जो इसमें दिया है कि रिएक्शन विद एयर, तो उसका एक्चुअल मतलब ये है कि रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो थर्ड हुआ रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अच्छा, अब इस ग्रुप के सारे मेंबर
नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जबकि ग्रुप फर्स्ट ए में सिर्फ लिथियम ऐसा एलिमेंट था जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता था। तो ये सारे जो हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इवन बेरिलियम भी। ठीक, तो इसमें ये होगा कि ये ग्रुप फर्स्ट ए का कोई एलिमेंट है प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो यू विल गेट द कॉरिस्पोंडिंग सेकंड ग्रुप ए नाइट्राइड। ठीक, तो यू विल गेट सेकंड ए 3 एंड एन 2, सो दिस इज़ द नाइट्राइड ऑफ द सेकंड ग्रुप। फॉर एग्जांपल ओवर हियर वी आर मैग्नीशियम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हुआ नाइट्रोजन, तो जब ये रिएक्शन हो जाए तो यू विल गेट Mg3N2। तो इधर बैलेंस करके ये मैग्नीशियम नाइट्राइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़े से फिर ये क्लू दे जाऊँ कि ये फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। ज़्यादातर जो आयोनिक कंपाउंड है, तो मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप सेकंड का मेंबर है, हैविंग ए चार्ज ऑफ +2, और नाइट्रोजन जो है वो फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है और वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 बनाता है, N9। अब क्या करें कि प्लस माइनस को छोड़ दें, 3 को मैग्नीशियम की तरफ ले आएँ और 2 को नाइट्रोजन की तरफ ले जाएँ, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा Mg3 और N2। ठीक, तो ज़्यादातर चीज़ों पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको दे जाऊँ, कोई आपसे कहे कि भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख दें, तो आप सोच लें कि एल्युमिनियम तो थर्ड ग्रुप का मेंबर है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो प्लस माइनस छोड़ दें, 2 को एल्युमिनियम की तरफ ले आएँ, 3 को ऑक्सीजन की तरफ ले आएँ, सो यू विल गेट Al2O3। तो ये एक तरीका है कि आप कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इस तरीके